3 4 साल ले रहा पानी रही हुआ है चौधरी की सरकार का मां रणजीत सिंह बलेरो साफ करवाई बांग सरकार मनी मंत्री मनी अभी टाइम नहीं जी कुछ सारों ने देख लिया जी अब चौधरी साहब करेंगे तो सफाई होगी जी नहीं तो नहीं होगी जी। पहले चौधरी साहब ने सफाई कराई है तो हमने साथ भी बहुत दिया जी उनका, आगे अगर सफाई कराएंगे तो हम तय दिल से उनके साथ है जी। पीछे सफाई हुई है, पीछे रणजीत जी कम कम 2 3 बार सफाई कराई है जी। अच्छा। पानी भी अच्छो चालू है जी, 2 3 साल पानी अच्छो खूब चालू है जी। Bhumika, a science student from SVS Kevala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smart boards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना, मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SVS। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदेवा खरीफ चैनल पे और यहाँ पे आने का मेरा मुख्य है उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बरसात का सीज़न, बरसात का मौसम जो है वो आ चुका है। 1 2 दिन पहले जो है वो बरसात हुई भी है। तो ऐसे में जो घग्गर नदी से जो फ्लडी नहरें निकलती हैं उनकी हालात सोचा कि क्यों न एक बार देख ली जाए, दिखा दी जाए कि आखिर क्या कुछ हालात हैं, क्या किसानों के खेतों तक खरीफ चैनल के एंड तक यानी कि टेल तक पानी पहुंचने की हालात में है भी या नहीं भी। तो सदेवा खरीफ चैनल से शुरुआत करते हैं, इसके बाद कोशिश करूंगा कि एक एक करके तमाम नहरों का हाल जो है वो आपको बताऊं, दिखाऊं कि आखिर किस नहर का क्या हाल है। और सदेवा खरीफ चैनल में आप देखिएगा, ये सदेवा खरीफ चैनल की अगर बात करें तो 8 से 10 गांव के किसान जो है वो इस पर निर्भर करते हैं और इस समय में इसमें पानी आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन उनका इंतज़ार शायद इस प्रकार से अगर ये टहनियां जो वृक्षों की के अंदर जो है वो बनी रही तो उनका इंतज़ार इंतज़ार ही रह जाएगा, इसमें पानी नहीं आ पाएगा। ना आने का कारण क्या, आप देखिएगा जो टहनियाँ टूटी हुई हैं वो इसके अंदर पड़ी हुई हैं और जो आसपास में पेड़ पौधे हैं उनकी टहनियों का झुकाव जो है वो इस नहर के अंदर, इस खरीफ चैनल के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। केवल एक तरफ नहीं बल्कि मैं इस तरफ भी आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये कुछ किसान भी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर कितनी समस्या जो है वो इनको होती है जब इसमें पानी नहीं आता है। तो आप इस तरफ भी देखिएगा, लगभग जो झाड़ियाँ हैं उनकी टहनियाँ जो है वो इस खरीफ चैनल के अंदर जो है वो हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर पानी आ भी जाता है तो एंड तक, पहले बात तो इसके पीछे हालात इतने ज़्यादा बद से बदतर हैं कि यहाँ तक भी पानी नहीं पहुँचेगा। अगर यहाँ तक पानी पहुँच भी जाता है तो आगे टेल तक पानी जो है वो इसके पहुँचने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। अब ऐसे में ज़रूरत है तो इस सदेवा खरीफ चैनल की सफाई की, बहुत जल्दी सफाई करवाने की ज़रूरत है। 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर अगर इसकी सफाई होती है तो जिससे कि ओटू एड में जैसे ही पानी जमा हो तो सदेवा खरीफ चैनल के साथ साथ तमाम नहरों में पानी जो है वो आ सके। सदेवा खरीफ चैनल पे पढ़ने वाले किसान, निर्भर जो किसान है उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, आपका इलाका भी वैसे सूखे में आता है, तो इस नहर की ये जो हालत है तो ऐसे कैसे पानी आएगा इसमें? नहीं जी, कोनी आवे जी। हाँ। एक कंडीशन में मतलब ही कोनी जी, फिर पानी आने को पहले आप पहली बात तो आवे सावन भादव महीने 2 महीना पानी आना हो, 2 3 महीना आंधे नहीं जमा ले, वो कंडीशन है थे यार देखने लाग रहे हो। और अट्ठा ही कोनी जी ठेठ छुई है वो इसी ने, क्यों भी अंधकार गए मां रो रो दरख टूट टूट गई मां पड़ रही है कोर करे कोनी। पहला मान लियो 3 4 साल ले रहा पानी रही हुआ है चौधरी की सरकार का मां रणजीत सिंह बलेरो साफ करवाई बांग सरकार मनी मंत्री मनी अभी टाइम गांव गांव ऊपर मान लियो 2 4 जगह बांग खास बांग के काम करवाई हुए है, पानी आई हुए हमारे सफाई करवाई है, लोग लागे रहे ताई मां सफाई भी करवाई, जैसी भी बुला के मान लियो ठेठ अपने जोड़ नालियों फटे जी, ओटू बटू जोड़ नालियों फट गया, बठू लागे सादा रहते सफाई हो रही है जी, बिना बाद में ऊपर कोई गौर को नहीं होड़ी। अब मानक कौन लगे भी में पानी आवे को नहीं तो फिर देखो अभी चौधरी का जगह बंदा है वहां सफाई करवाई, चौधरी साहब सफाई करवाई तो अब कड़े क्यों कौन करवाने लग रहा, फिर अब कड़े के देवा बंदा ना जगह पानी है जी।
कहना मैं तो कह नहीं लग रहा जी भी होगा तो मन तो मान लो ले रहे हरे हरे तीन चार साल मारा अच्छा दाना हो खूब बढ़िया हो सिस्टम अब मन को लगे भी जे सीने बे पानी आवा को नहीं आवे नहीं तो अब खड़ा सफाई करवाई क्यों को नहीं पिछले ये थे कहीं हुई को नहीं अब ना जी कह रखे मैं तो जी होगी तो हाँ ले रहा चौधरी साहब ले रहा मान लो पीछे सार बे इलेक्शन आ बैठे भी जी रहे जी मैं बंद करके शायद को नहीं होगा बाकी कह भी हो जाएगी सफाई तो आप जिक्र तो चल है जी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी भाई साहब के लगे है सफाई ना हुई तो पानी नहीं आएगा जी सफाई नहीं हुई तो खारिया से लेकर यहाँ घोड़ा वाली तक कोई बहुत बुरा हाल है जी मिट्टी निकालने वाली है जी सारे जेसीबी से और मजदूरों से जी। अच्छा तो क्या लगता है सफाई हो जाएगी इस बार? इस बार मुश्किल लग रही है जी अब की बार मुश्किल है जी अधिकारियों के पास गए जी वो कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है जी हम जैसे भी नहीं जा सकते तेल दो आप कुछ ना कुछ दो हमें तो हम जमींदार कहाँ से दें जी। अच्छा तो फिर जमींदारों ने इकट्ठा होकर नहीं राय की कि देना चाहिए कुछ करना चाहिए? नहीं जी कुछ सारों ने देख लिया जी अब चौधरी साहब करेंगे तो सफाई होगी जी नहीं तो नहीं होगी जी। अच्छा चौधरी साहब के बिना कोई कर ही नहीं सकता सफाई? नहीं कर सकता जी। नहीं तो अभी तो इलेक्शन टाइम है आगे चौधरी साहब के तो और भी तो कर सकते हैं। हो सकता है तो बस चौधरी साहब कर सकते हैं नहीं तो नहीं होगी जी। अच्छा नहीं होगी? नहीं होगी। चौधरी साहब के आगे आपने मांग रखी है कि सफाई करवाओ? एक बार तो रखे आए हैं जी पीछे जी वो रैली हुई थी उस टाइम जी। अच्छा फिर क्या बोले? वो कह रहे हैं करवाएंगे जी के। अच्छा करवाएंगे ठीक है। हाँ जी अब अगर जी मान लो पहले चौधरी साहब ने सफाई कराई है तो हमने साथ भी बहुत दिया जी उनका आगे अगर सफाई कराएंगे तो हम तय दिल से उनके साथ है क्यों अब जमींदार आदमी और के चाहिए जी था नहीं था सियाणा आदमी जमींदार ने पानी चाहिए जी मारे अगर पानी रहने लग गए तो मन के दिक्कत है मेरे साथ ही देना है जी क्यों पीछे अब सरकार भी पहला भी बहुत बारी आई है कोनी आज भी टाइम का माँ कोनी पानी पुनी है और पीछे तीन चार साल में हमारे बफर पानी रही है। अच्छा यार माना उम्मीद है जी अगर जो चौधरी साहब आवेगा तो सफाई होगी तो मैं तय दिल में सागा मांगा पूरा साथ देंगे जी डट के बेमार हो देगा तो कोई दिक्कत। चलिए एक युवा किसान हो रहा भाई साहब अगर पानी नहीं आया तो कितनी ज्यादा समस्या होगी? बहुत मुश्किल होगी जी बेहिसाब मुश्किल ही मुश्किल है पानी आवेगा तो होगा जी पानी ना आयो तो बहुत दिक्कत होगी जी बहुत दिक्कत है बेहिसाब जी आज कौन तो भाई बात जी की होगा कोई खाने ने बस आई बात है जी। कौन सा गांव है? गांव चक्का जी। चक्का है। अच्छा तो इनके साफ सफाई कितनी ज्यादा जरूरी है? इनके जी बहुत जरूरी है अब तो मैं पानी गुट को आनी को नहीं पहले रणजीत सिंह जी सफाई सफुई करवाई चार साल से पानी खूब आयो अब की बारी सफाई हुई को जी पानी को गुटको को नहीं हो जमींदार ना नरमा ना गुआर बिजाई हुआ है बारिश होने को लग जी अगर और इनकी सफाई हो जाए तो जमींदार पानी लग जाए। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद भी आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ लड्डी घग्गर नदी पर पहुँचे हो आप तो हमारा तो ये कहना है भी सरकार ये काम करवाए इस एरिया के जो विधायक हैं चौधरी रंजीत सिंह जी ताकि इस एरिया में पानी की समस्या है खास करके चक्का बुना घोड़ा वाली क्योंकि यहाँ आपको पता भी है डार्क जोन है नीचे का पानी है उस तरह वो आगे से आगे नीचे होता जाता है और पानी भी नमकीन है ज़्यादा खा रहा है जो फसल को नहीं मानता इसलिए हम तो यही गुजारिश करेंगे कि इसकी साफ सफाई की जाए ताकि पानी है वो सभी किसानों के खेतों में लगे फसल अच्छी हो। समस्या ही पड़ी है जी वो सारो अड़ो डार्क जोन मारी है जी पानी मतलब ना होने की वजह सारा खेत खलियान देखे खाली पड़े जी मेरा सरसियों भी कोनी हुई
ना कणका हुई जी, अभी यहाँ जी अभी नाली सफाई हो जाए तो रणजीत जी ने कह गए तो यहाँ जी मतलब पानी की सारे नई पूग जी बढ़िया तरिया जी फसल लग गए तो फसल भी हो जी। अब तो हालात ही शौर्य जी हरिया भी कोनी होने लग रहा। तो पीछे सफाई होती रही है? हाँ जी पीछे सफाई हुई है, पीछे रणजीत जी कम कम दो तीन बार सफाई कराई है जी। अच्छा। पानी भी अच्छो चाली हुई जी, दो तीन साल पानी अच्छो खूब चाली हुई जी। अच्छा तो अब कड़े के लगे, अब कड़े क्यों कोनी हुई फिर सफाई? अब ध्यान कौन जी क्यों कौन करी, अब सफाई तो हुई कौन जी। देखो जी आ थे मतलब आ रहे हो देखे भी जी, हाँ जी हाँ जी हम दरखत पड़ रहे है, मट्टी भी है कटाओ। हाँ जी मतलब रिक्वेस्ट है जी भी सफाई करवा तो मारते ही पानी पहुंचे जी। तो ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीर जो है वो रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल की है, जहाँ पे जो है वो साफ सफाई की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमें दिखाई दे रही है कि साफ सफाई यहाँ पे होनी चाहिए। ये भी झाड़ियाँ वगैरह जो है वो, हालांकि अगर इसको हमें रोड से देखेंगे, खारिया के पास जो रोड है या खारिया सिरसा रोड है उस रोड से अगर देखेंगे तो वहाँ से जो है वो ये बिल्कुल साफ इसमें सफाई दुरुस्त नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसके थोड़ा सा आगे चल करके देखें तो हालात जो है वो कुछ और ही जो है वो हमें प्रतीत हो रहे हैं। ये देखिएगा झाड़ियाँ जो है वो किस प्रकार से इसके अंदर आती हुई दिखाई दी हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो कुल मिलाकर के तमाम जो नहरें हैं वो ये जो खरीफ चैनल है उनमें साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनकी सफाई होनी अति आवश्यक है। अगर सफाई हो जाती है तो जो है वो यहाँ से पानी जो है वो आगे निकल पाना पॉसिबल है, अगर सफाई नहीं होती है तो पानी जो है वो इसमें 2 किलोमीटर तक भी जो है वो नहीं जा पाएगा। तो ऐसे में तमाम लोगों की एक ही मांग है कि इसकी सफाई करवाई जाए, और लोगों का साफ तौर पे कहना भी है कि पिछले 4 सालों तक लगातार जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह इनकी सफाई जो है वो करवाते रहे हैं, जिसकी वजह से इनके तमाम नहरों के टेल तक पानी जो है वो पहुंचता रहा है। अब ऐसे में इस बार बिजली मंत्री के संज्ञान में न जाने ये सफाई करवाने का मामला क्यों नहीं आया, क्या वो सफाई करवाएंगे, सफाई करवा करके किसानों को जो है वो टेल तक पानी पहुँचा पाने में का सहयोग करेंगे, चुनावी सीजन है, अगर इसमें भी अगर नहीं सफाई करवाते हैं तो लोगों का उनसे खफा होना, निराश होना वाजिब सी बात है। और ऐसे में अगर बात करें तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर सफाई इसकी हो जाती है तो वो जो है वो दिल खोल करके उनका साथ देंगे। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो जितने भी O2 ऐड से खरीफ चैनल निकले हुए हैं उन तमाम खरीफ चैनल में साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ जगह पे खुदाई की ज़रूरत है, कुछ जगह पे सफाई की ज़रूरत है, तो वो होनी बेहद ज़रूरी है जिससे कि किसानों के खेतों के अंदर जो है वो घग्गर का फ्लडी पानी जो है वो सिंचाई के लिए उनको दिया जा सके। आप किस इलाके से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके यहाँ पे भी अगर खरीफ चैनल है तो उसके क्या कुछ हालात हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितना संभव हो सके इन तमाम नहरों का सफाई का मुद्दा जो है वो उठाया जाए, सफाई का टेंडर जो है वो करवाया जाए जिससे कि किसानों के खेतों तक जो है वो पानी पहुंचने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आ सके। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।